पकड़ने की क्या आवश्यकता है? मैं तो वैसे ही चलने को तैयार हूँ, मैं किसी का शत्रु नहीं। अरे चल चल, बड़ा ब्राह्मण बन के वंदना कर महाराज को। नारद जी तो संसार में सबकी वंदना करते। अरे मूर्खो, ये किनको पकड़ना है? ये तो सबका कल्याण चाहने वाले मुनिराज नारद जी हैं। क्षमा कीजिए गुरुदेव। नारायण नारायण कालियावन, तुम्हारा प्रेम देखकर मेरी इच्छा तो हुई कि तुम्हारी भलाई की एक बात बता दूं, किंतु कहीं तुमने ढोल पीटा कि यह बात नारद जी बताकर गए तो कृष्ण से मेरा मनमुटाव हो जाएगा, इसलिए रह नहीं तुम। नहीं नहीं मुनिराज, कृष्ण के बारे में भी बात हो तो जल्दी बताइए। इतने आतुर हो तो बता ही देता हूं, चक्रवर्ती बनने की इच्छा पूरी करना चाहते हो तो यह सुंदर अवसर है। इस बार तो बलराम कृष्ण से जरासंध पराजित हो गया, किंतु वह दोबारा चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा। उससे पहले ही मथुरा को यवनाधिपति काल यवन जीत ले तो। बस बस नारद जी, क्या दूर की सोची है, समझ लीजिए कि मैंने मथुरा जीत ली। महाराज, हमें हर बार कृष्ण की कपट नीति से नीचा देखना पड़ा है, इसलिए इस बार केवल बल से नहीं कल से काम लेना होगा। नारायण नारायण, बल आपके पास और कल मेरे पास मगधपति। किंतु नारद जी, आप तो हमारी भलाई चाहने वाले हैं, बताइए। तो सुनिए, इस समय मथुरा पर काल यवन भी आक्रमण करने जा रहा, यादवों के नेता बलराम श्री कृष्ण मोर्चा संभालने में उधर जुटे रहेंगे और इधर आप बिना परिश्रम मथुरा पर मगध की ध्वजा फहरा दीजिए। उपकार मुनिराज। श्री बलराम जी, श्री कृष्ण जी रक्षा कीजिए, काल यवन के सैनिक हमारे गांव गांव में घुसकर उत्पात मचा रहे हैं, निर्दोष जनता को लूट पीट रहे हैं, खेतों और घरों को जलाकर नष्ट कर रहे हैं, पशुओं का हरण करने के साथ साथ बहु बेटियों की लाज भी। कन्हैया, बहु बेटियों की लाज लूटने वालों का लहू पीने के लिए मेरा हाल उतावला हो रहा है, उठो। नारायण नारायण, आक्रमण एक ही ओर से नहीं दो दो ओर से होने जा रहा है बलराम जी। कौन है दूसरा आक्रमणकारी? अंतर्यामी वासुदेव से क्या छिपा है ये स्वयं बता देंगे। नारद जी जल्दी बताइए, वरना मेरा हाल शत्रु मर उठने से पहले कहीं बम हत्या। नारायण नारायण, भगवान मेरी हड्डी पतली तोड़वाना क्यों चाहते हैं, बता दीजिए ना जरासंध की बात। जरासंध? हाँ भैया, एक ओर से काल यवन और दूसरी ओर से जरासंध आक्रमण करने आ रहा है, ताकि यादवों की सेना दो भागों में बढ़ जाए और हमारा सैन्य बल कम हो जाए। किंतु वे नहीं जानते कि हम दोनों का बल अखंड है, हमारी सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है, हम अभी कूच बोलते हैं। नहीं भैया, पहले हम मथुरा को खाली करा के उद्धव जी के साथ भाभी और सारे यादव को द्वारका भेज दें। द्वारका? हाँ भैया, कुशस्थली अब यादवों के नए सुखी जीवन का प्रवेश द्वार होगी, इसलिए उसे हम द्वारका के नाम से पुकारेंगे। उधर द्वारका में यादव सेना का संगठन होता रहे और इधर शत्रु ये समझ बैठे कि उनके डर से यादव भाग गए। फिर मैं जरासंध को यमलोक पहुंचा दूं और तुम काल यमन को। हाँ भैया, परंतु मैं काल यवन को शक्ति से नहीं युक्ति से मारूंगा, फिर रह जाएगा जरासंध, उसे अपने दांव में लेने के लिए हम मथुरा से भाग जाने का दिखावा करेंगे। क्या कहा? अपने देश की रक्षा के लिए बलराम अपना बलिदान दे सकता है, किंतु युद्ध से मुंह नहीं मोड़ सकता, पलायन नहीं कर सकता, शत्रु को पीठ नहीं दिखा सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। श्री कृष्ण, सांसारिक माया के प्रभाव से शेष अवतार कभी कभी नारायण के सामर्थ्य को भूल जाते हैं। शेषनाग फूफकार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भाभी? किंतु भैया का क्रोध शांत कैसे किया जाए भाभी? मैं शांत करूंगी वासुदेव। ऐसे करते रहेगा भाभी कि भैया का मान भी रहे और मेरा काम भी होता रहे, क्योंकि ये तो बार बार होता रहेगा भाभी। अच्छा मेरे नटखट देवर जी। स्वामी, आपकी सामर्थ्य को कौन नहीं जानता, आप बड़े हैं, बड़ों को क्रोध नहीं
क्षमा शोभा देती है। श्री कृष्ण जो कहते हैं वो तो शत्रु को पराजय देने के लिए युद्ध नीति का एक मार्ग है। और फिर श्री कृष्ण कौन है, आपसे ये कहने वाले मैं कौन हूँ? सब कन्हैया की ही माया है जो मुझे भरमा देती है। कन्हैया, हम महाराज काल जीवन के सैनिक हैं। पकड़ना हमारा काम है, छोड़ना महाराज की इच्छा पर है। क्या तुमने काल जीवन के काल कृष्ण कन्हैया का नाम नहीं सुना है? उसका नाम हम नहीं सुनते। मूछ पाने के लिए पीताम्बर और के सोने का बहाना कर रहा है। उठ, उठ, खड़ा हो जा। दादा भगवान,
मैं तो वृक्ष का ग्वाला कृष्ण हूं। नहीं प्रभु, मैं मानधाता का पुत्र मुचकुंद हूं। मुझे इंद्र का वरदान है कि जब मेरी निद्रा टूटेगी, मेरी आंखों के सामने स्वयं नारायण भगवान होंगे। कृपा करके मुझे उसी रूप का दर्शन दीजिए भगवान, मुझे मुक्ति दीजिए। सो हम राजर्षि मुचकुंद, जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर कोई ऐसी वस्तु नहीं रह जाती जो शोक का कारण बन सके। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है, किंतु क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय तुमने अनेक निर्दोष पशुओं का वध किया है, इसलिए अगले जन्म में ब्राह्मण बनकर समस्त जीवों के हितैषी बनकर इस जन्म के पाप धो डालोगे, फिर दूसरे जन्म में मुक्ति पाओगी। ये मेरा आशीर्वाद है। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। उद्धव जी, महादेवी, सारी रात यात्रा की है, अब कहीं थोड़ा विश्राम कर ले। सामने कुंडिनपुर का गौरी मंदिर है, वहीं विश्राम करेंगे। कुंडिनपुर? हाँ, विदर्भ की ये राजधानी है, जहाँ के राजा भीष्मक हैं। जिनका बेटा रुक्मी मथुरा पर चढ़ाई करने में जरासंध का साथ दे रहा है। हाँ, रुक्मी की एक कुंवारी बहन भी है जिसका नाम रुक्मिणी है। Yeah.
शुभ दर्शन जानती होंगी अच्छी तरह देवर को भाभी नहीं जाने की तो कौन जानेगा ओह तो आप ही बलराम जी की अर्धांगिनी रेवती हो अरे लजाकर भागने कहां लगी तुम तो हाका करती थी मथुरा का कोई पंछी भी मिल जाए तो ये कहूंगी वो कहूंगी ऐसा करूंगी वैसा करूंगी अब मुंह में ताला लग गया अरे संदेशा नहीं तो उलाना ही दे दो चुप रह निर्लज्ज कहेंगे क्या बात है राजकुमारी श्री कृष्ण ने कोई अपराध किया है अजी ऐसा अपराध कि श्री कृष्ण के नाम से मेरी सखी को लज्जा आती है ना क्षमा कर सकती ना दंड दे सकती मेरे देवर हैं ये दंड पाने की योग्य मुझे ये पता होता राजकुमारी तो उन्हें भी अपने साथ अवश्य ले आती देवी जी उन्हें साथ ना लाकर अच्छा ही किया वरना श्री कृष्ण अभी तो रुक्मणी जी के मन में बसे हैं कहीं आंखों में भी समा जाते तो बंदी होने के सिवा छुटकारा नहीं था पल्लवी देवी जी आज आप मेरे अतिथि बनिए चलिए राजभवन में मैं तुम्हारे इस प्रेम का आदर करती हूँ राजकुमारी किंतु पति आज्ञा का अनादर नहीं कर सकती मुझे जल्दी यात्रा पूरी करनी है मेरे साथ अन्य यादव भी हैं वे आगे मेरी बाट देखते होंगे जैसे आपकी इच्छा जय श्री कृष्ण